श्री कैला देवी मंदिर देवास मध्य प्रदेश। श्री कैला देवी मंदिर देवास का नव निर्मित भव्य धार्मिक स्थल है। देवास को माँ चामुंडा मंदिर के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। कैला देवी जी का मंदिर बनने से देवास को एक नई पहचान मिली है। मंदिर की बनावट में दक्षिण भारतीय शैली की झलक मिलती है। इस मंदिर की शिल्पकारी में देश के कई नामी वास्तुशिल्पियों का योगदान रहा है। मंदिर की दीवारों और फर्श पर सुंदर कलाकारी देखने लायक है। महत्व का पता इस बात से भी चलता है कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा महामंडलेश्वरों, संतगणों और कई पंडितों की देखरेख में संपन्न हुई। श्री कैला देवी माँ मंदिर में आपको अन्य देवताओं की उपस्थिति का आभास भी हो जाएगा। गणपति जी और नारायण जी भी उपस्थित हैं, जो मंदिर को संपूर्णता प्रदान करते हैं।
मंदिर में ही अखंड ज्योत प्रज्वलित है, जो भक्तों की श्रद्धा की तरह ही सदैव बनी रहती है। ज्योतिर्लिंग मंदिर के शिखर पर अनेकों देवी देवताओं और सेवक सेविकाओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ज्योतिर्लिंग का मुख्य आकर्षण है 51 फीट ऊंची हनुमान जी की भव्य प्रतिमा, जो हाथ में गदा थामे खड़ी है। मंदिर के समीप ही शनि नवग्रह और साई मंदिर भी है। मंदिर प्रांगण की दीवार पर क्रमशः छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जैसे महर्षि व्यास जी का, पूर्णा का, माँ महालक्ष्मी का, श्री महासरस्वती का, श्री अग्रसेन महाराज का, श्री लक्ष्मी नारायण जी का और श्री नाथ जी का। इनके साथ ही सीताराम और राधे श्याम की पावन जोड़ी भी हमें मंदिर की दीवारों में स्थापित मिल जाएगी। मंदिरों के मध्य में दीवार पे सुंदर प्रतीकात्मक कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। कलाकृतियों में मनुष्य के कर्म और उसके फल को दर्शाने वाले प्रतीक बने हैं। इन कर्मों की बेहतर व्याख्या के लिए अंत में ये पंक्तियां अंकित हैं। जिसने आकर जन्म लिया है, उसने एक दिन कूच किया है, किसने किसका साथ दिया है, इस जग का ढंग देख लिया है, अब तो भीतर के पट खोल, शो हम बोल शिवो हम बोल, शो हम बोल शिवो हम बोल। इन्हीं शब्दों में शायद संपूर्ण मानव जीवन, कर्म और फल का सार समाया हुआ है। मंदिर प्रांगण में सामूहिक सभागृह है। जिसके प्रवेश द्वार के ऊपर एक और मूर्ति चित्र बना हुआ है। इस चित्र में कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। विभिन्न चित्रों और कलाकृतियों से सुसज्जित ये मंदिर समस्त हिंदू धर्म और उससे जुड़ी मान्यताओं का एक अनुपम उदाहरण है।
मंदिर प्रांगण का प्रवेश द्वार ही अपनी भव्यता और दिव्यता को दर्शाता है। इस मंदिर के निर्माण को हुए ज्यादा समय तो नहीं हुआ, पर अल्प समय में ही मंदिर ने आशातीत प्रसिद्धि पाली है। रोजाना दूर दूर से लोग मंदिर और वहां उपस्थित दैवीय प्रतिमाओं के दर्शन हेतु आते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में जो मां कैला देवी की मुख्य मूर्ति है वो अत्यंत प्राचीन और सिद्ध है। माँ की प्रतिमा से जुड़ी हुई अनेक मान्यताएं हैं और स्थानीय लोगों द्वारा भी कई चमत्कारों का वर्णन सुनने को मिलता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि माँ से सच्चे और पवित्र हृदय से मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यहाँ विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन होता है जिनमें से गृह शांति प्रमुख है। ऐसी मान्यता है कि अपने व्यवहार में सौम्यता और घर में स्थिरता लाने के लिए माँ का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है। वर्ष में एक बार श्री रामायण मेला आयोजित होता है। इस मेले में दूरस्थ इलाकों से संतगण आकर मेले की सफलता में सहयोग करते हैं। रामायण मेले के दौरान कुशल कलाकारों द्वारा रामलीला का प्रदर्शन भी होता है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। रामलीला के लिए प्रांगण में ही एक भव्य मंच स्थायी रूप से बनाया गया है। साल भर इस प्रांगण में गीता पाठ, प्रवचन आदि का भी आयोजन होता है। Thank you.
मंदिर एक उपयुक्त धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाली जगह मानी जाती है। ये मंदिर दिनों दिन प्रसिद्धि के पायदानों पर चढ़ता जा रहा है। देवास से गुजरने वाला लगभग हर यात्री माँ कैला देवी के मंदिर के दर्शन करने अवश्य आता है।